नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 22 अक्टूबर है और दिन है शनिवार और आज धनतेरस का पर्व भी देश भर में पूरे उल्लास के साथ, पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। आप सबको भी खेत खजाना परिवार की तरफ से धनतेरस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज भी सरसों पिछले 3 दिनों की भांति स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर लेवल पर कारोबार हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा सरसों तेल के बाजार में हल्का सा उछाल देखने को मिला है। सरसों तेल की जो डिमांड निकल रही है थोड़ी थोड़ी करके, चाहे वो त्योहारी मांग कह सकते हैं आप, चाहे वो सर्दी के सीजन की मांग कह सकते हैं, या कुछ और भी उसमें कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सरसों तेल की मांग सुधरने से ही ये बाजार थोड़ा टिका हुआ है। क्योंकि सरसों में अब लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तेजी के आसार बनेंगे। आज जैसे भरतपुर का बाजार 6500 के लेवल पर खड़ा है और 6800 पर जयपुर का बाजार खड़ा है, इसमें 100-200 रुपये का सुधार हो सकता है और दीपावली के ठीक 3 दिन के बाद में ही इसकी सही दिशा बनेगी। तब तक बिजाई के कुछ और आंकड़े आएंगे। मैं 2 दिन से लगातार आपको ये बता रहा हूँ कि सरसों की बिजाई के जो डाटा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यानी बिजाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप बार बार ये कमेंट करते हैं कि ये गलत है, आंकड़े गलत हैं, ये भारत के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। और हमने इसको विस्तार से अपने दैनिक डेली बुलेटिन में भी हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं। केवल सरसों ही नहीं, गेहूं, चावल, कॉटन, ग्वार, राइस, इस तरह की सब तरह की रिपोर्ट्स उसमें प्रकाशित हो रही हैं। तो सरसों का जो बाजार है अभी फिलहाल स्टेबल है। दीपावली तक, परसों दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के 2-3 दिन के आसपास तो कोई कामकाज भी नहीं होता है, उसके 3 दिन के बाद ही सही इसकी दिशा बनेगी कि सरसों की अब जा किधर रही है, सरसों में अब कोई तेजी बनेगी या नहीं बनेगी, इसका फैसला भी दिवाली के 2-3 दिन के बाद हो जाएगा। कुल मिलाकर के सरसों में ठीक ठाक भाव आ चुका है और यहाँ से अगर मुनाफा वसूली की जाए यानी बिकवाली की जाए तो शायद अच्छा एक अवसर हो सकता है। कॉटन बाजार में अब थोड़ी थोड़ी करके गिरावट आ रही है। रोजाना 100 से 200 रुपए बाजार डाउन हो रहा है। केवल उत्तर भारत की मंडियों में ही नहीं, पूरे देश की मंडियों के अंदर कॉटन का भाव डाउन जा रहा है क्योंकि हल्की हल्की आवकें बढ़ने लगी हैं। हालांकि बहुत बड़ी आवकें इस बार भी होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए बहुत लंबी गिरावट नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है और बाजार जल्द ही वापिस आ सकता है, सुधार की तरफ बढ़ सकता है। थोड़ा सा प्रेशर एक बार बीच में आएगा क्योंकि आवकें बढ़ेंगी। और बाकी सब जो विस्तार से जो चीज़ें हैं वो हमारे डेली बुलेटिन में छपती हैं। आप किसी भी जिन्स के बारे में आप उसमें जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज बहुत थोड़ी सी मंडियों में कारोबार देखने को मिला है। भरतपुर में आज सरसों खुला है 6499 रुपये, यानी 6489 और ये कल से करीब 23 रुपये के आसपास सुधरा है। और जयपुर आज 6825 रुपये पर है, 25 रुपये सुधार कह सकते हैं। सलोनी 7425 पर स्टेबल है। दिल्ली 6500, चरखी दादरी 6450, मुरैना 6100, बरवाला 6150, अलीगढ़ 6100, सिरसा 5950, अबोर मंडी 6040, आदमपुर 6199, एलनाबाद 6121, श्री विजयनगर में 5950 पर सरसों का कारोबार हुआ है। नरमा आज आदमपुर में बिका है 8716 रुपए, एलनाबाद में 8549 रुपए, सिरसा में 8570 रुपए और श्री विजयनगर में आज नरमा की ढेरी की बोली हुई है 8661 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।